सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्जी, जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती है, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा है वो बच्चे होते हैं, जो नहीं खाते हैं मुँह बना देते हैं ये सब्जी देख के ही। लेकिन आज जिस ढंग से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी, बच्चे भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। जिसे तो ये पसंद है वो तो एक फुलके की भूख होगी तो दो खाएगा, दो की भूख होगी तो तीन खाएगा। तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। ये कम तेल में भी बनेगी, झटपट भी बन जाएगी, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो लाजवाब होगा, आप भूलोगे नहीं जब आप ऐसे इसे बना के देखोगे। सभी को पसंद आने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों से ये बनेगी। तो ये मैंने अनियन को देखिए इस टाइप के पीसेस में काटा है, क्योंकि जो सब्जी है इसे भी मैं ऐसे ही पीस में काटने वाली हूँ, तो मैंने इसे भी पतला पतला काट लिया है। अनियन को मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के अनियन लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इस सब्जी में। टमाटो लिए हैं मैंने, ये भी मैंने मीडियम साइज वाले दो टमाटो लिए हैं। ये हो गया तीखा चिल्ली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम भी ले सकते हो, जितनी मैं सब्जी बनाऊंगी उसके हिसाब से ये काफ़ी हो जाएगी। नमक छोटी एक चम्मच ली है, हल्दी आधी चम्मच मैंने ली है, ये काफ़ी हो जाएंगे मसाले। इसके अलावा हम इसमें तेल ही डालेंगे। तो सबसे पहले हमें काटना है सब्जी को। वैसे तो आप जिस भी शेप में काटना चाहे काट सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसी शेप में काटूंगी जैसे कि मैंने अनियन टमाटो को काटा है। आप देख सकते हो मैंने इस टाइप के पीसेज में काटा है इन्हें, तो ये मैंने काट लिया। उसके बाद मैं इस टाइप के इसके पीस बना लूँगी, उसके बाद ऐसे इसे हम काट देंगे। बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे देखने में ये सब्जी, कोशिश कीजिएगा कि इसे हम पतला पतला काट सके। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो ये बन भी झटपट जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, जो आपकी गैस है वो भी कम यूज़ होगी। तो ऐसे पीसेस में मैं इसे काटूंगी। काट लिया मैंने सभी को, कोशिश की है कि मैं इन्हें एक जैसी शेप दे सकूं, बिल्कुल पतला इन्हें काट सकूं। तो आइए अब बना लेते हैं इसे। कोई भी गैस पे पैन लगा ले आप, उसमें तेल डाल देंगे हम। मैंने ये तेल 3-3.5 चम्मच हम तेल के डाल देंगे। गैस को मैंने चला दिया है, जो तेल है वो अच्छे से पक गया है। अब इसमें पहले हम कोई भी मसाले इसमें नहीं भूनेंगे। जैसे हम कोई भी सब्जी दाल बनाते तो हम पहले मसाले भूनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, तेल में ही हम सीधे पहले इसे डाल देंगे। हल्का सा इसे मिला देंगे। तेल आपने देख लिया, हमने कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तेल की नहीं ली है। वैसे तल के भी बनाते हैं इस सब्जी को, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि हैवी हो जाती है, तो मैक्सिमम लोग पचा नहीं पाते हैं, ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं। तो इस वजह से जब हम बनाएंगे तो तेल भी कम था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस आप जो जो मैं स्टेप आपको बताऊँ वो आप फॉलो कीजिएगा। लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इसे पकाना है, या भूनना भी बोल सकते हो। बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई पानी यूज नहीं होगा, नीचे लगने के चांस होते हैं। बीच बीच में हिलाते जाना है, हमने 10-1 मिनट तक ऐसे ही इन्हें पकाना या भूनना है अच्छे से, लेकिन आंच लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। हम इसको हाई फ्लेम पे या ज़्यादा आंच पे चला देंगे ना, तो क्या होगा, ये जल जाएंगे, टेस्टी नहीं बन पाएंगे। जब लो टू मीडियम इसे बनाएंगे तो गजब का इसमें टेस्ट आएगा। तो बस ऐसे ही हम इसे 10-1 मिनट के लिए चलाते जाना है, बीच बीच में ऐसे ही पका लेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इसमें मसाले बाद में डालेंगे, ताकि ये बहुत टेस्टी बन सके, हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी ये होगी। तो इसे बीच बीच में बस हमने चलाते जाना है, बस ऐसे ही 10-1 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट का टाइम हो गया बनते हुए, अभी अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए
यहाँ से ही पता चलता है कि ये पक गए हैं। देखिए कितने अच्छे लगते हैं देखने में। ये देखिए ये अच्छे से पक गए हैं 10 मिनट के बाद। अब 10 मिनट के बाद, क्योंकि अभी हमने इन्हें 2 मिनट आगे भी पकाना है, इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज काटा था। टमाटो काटा था वो भी डाल देंगे, मिला देंगे इन्हें पहले। अच्छे से मिला लिया। अब इसमें सभी मसाले डाल देंगे, तीखा आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, हल्दी, नमक छोटी 1 चम्मच ली है मैंने। मिला देंगे सभी मसालों को इसमें अच्छे से। 10 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं, 2 मिनट अभी हमने पकाना है ताकि सभी मसाले, अनियन, टमाटो सब कुछ इसमें पक जाए। देखिए कितने अच्छे से सब्जी कुक हुई है, आपको देख के ही पता चलेगा कि कितनी स्वादिष्ट ये बनी होगी। कोई मुश्किल नहीं था इसे बनाना, झटपट भी बन गई, टेस्टी भी बनी है, तो आप सभी इसे बना के देखिएगा। लेकिन कमेंट में लिखिएगा कि कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए ये वीडियो। तो बस 1.5-2 मिनट का टाइम हो गया इसे बनते हुए। यहाँ पे मैंने गैस को बंद किया। ये देखिए सब्जी को बना के निकाल दिया मैंने एक बोल में। देख पाओगे आपकी कितनी अच्छी देखने में है, सच मानिए बहुत ही स्वादिष्ट ये खाने में भी है। इस वे से आप सभी इसे बना के देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये सब्जी बनाने का ढंग। तो बस आप कमेंट में लिख दीजिए आपको पसंद आया है, तो कोई चीज़ आप बनवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो अब मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।